Hello students, how are you all? In previous class, I was teaching you about branches of agriculture in plant science. Today, we will study about some other branches of agriculture in animal science. Our first topic is animal husbandry. Animal husbandry is a special branch of agriculture in which different kinds of animals like goat, sheep, horse, cow, buffalo, etc. are raised at large scale for obtaining different kinds of useful products like milk, meat, leathers, wools, fibers, eggs, etc. ओके, तो आप समझे कि एनिमल हस्बेंड्री में बेटा अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं उनको रेयर किया जाता है एट लार्ज स्केल फॉर ऑप्टेनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पोल्ट्री साइंस और पोल्ट्री. इन केस ऑफ पोल्ट्री साइंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर रेज्ड फॉर ऑप्टेनिंग डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, एग्स एंड फीदर्स. दीज बर्ड्स आर चिकन्स, टर्की बर्ड्स, गीज एंड डक्स. देर आर टू कैटेगरीज ऑफ दीज बर्ड्स, ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स. ब्रॉयलर्स बर्ड्स आर रेज्ड फॉर ऑप्टेनिंग मीट एंड लेयर बर्ड्स आर रेज्ड फॉर ऑप्टेनिंग एग्स. ठीक है, दो कैटेगरीज बताई अभी आपको मैंने, ब्रॉयलर्स और लेयर्स. ब्रॉयलर्स बर्ड्स को पाला जाता है बेटा फॉर ऑप्टेनिंग मीट एंड लेयर्स बर्ड्स आर रेज्ड फॉर ऑप्टेनिंग एग्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पिसीकल्चर. पिसीकल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ फिशेज इन आर्टिफिशियल टैंक्स. ओके, इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया लाइक इन साउथ इंडिया, इन ईस्ट इंडिया फिशेज आर यूज्ड एज ए फूड. ओके, तो वहां पर पाला जाता है बेटा फिशेज को इन आर्टिफिशियल टैंक्स. ठीक है, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड के अंदर मतलब जो रेयरिंग है फिशेज की वो की जाती है ना, फिशेज को पाला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्वाकल्चर. एक्वाकल्चर इज द ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिश, शेलफिश, प्रॉन्स, ऑस्टर्स एक्सेट्रा. ओके, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर, मैराइन एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर. इन केस ऑफ मैराइन एक्वाकल्चर एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश, सेल फिश आर रेज्ड इन मैराइन वाटर और शॉल्ट वाटर. ओके, इन केस ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स आर रेज्ड इन फ्रेश वाटर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेरिकल्चर. इन प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट, इट इज कॉल्ड मोरी कल्चर. ठीक है, और बताया था आपको मैंने कि जो है मोरी कल्चर क्यों किया जाता है, क्योंकि बेटा मोरी जो मलबरी प्लांट लीव्स होती हैं, ठीक है, जो मलबरी प्लांट लीव्स होती हैं उनके ऊपर सिल्क वॉर्म को पाला जाता है. ठीक है, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म होते हैं दे ईट मलबरी प्लांट लीव्स एंड दे ले एग्स ऑन मलबरी प्लांट लीव्स. ठीक है, तो जितने ज्यादा मतलब मलबरी प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे, ठीक है, उतनी ही ज्यादा मतलब सिल्क वॉर्म वहां पर जो है सिल्क वॉर्म वहां पर मिलेंगे. ठीक है, और हमें उतना ही ज्यादा सिल्क फाइबर्स मिलेगा. ठीक है, लेकिन अभी हमें पढ़ना है सेरिकल्चर के बारे में. ठीक है, व्हाट इज सेरिकल्चर? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, बॉम्बिक्स मोराई. ठीक है, सिल्क वॉर्म का नाम है यहाँ पे बॉम्बिक्स मोराई. रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑन मलबरी प्लांट लीव्स टू ऑब्टेन सिल्क, इट इज कॉल्ड सेरिकल्चर. ठीक है, तो ये बताया जस्ट आपको मैंने कि जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो मलबरी प्लांट लीव्स को खाते हैं एंड दे ले एग्स ऑन मलबरी प्लांट लीव्स. ठीक है, तो सेरिकल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑन मलबरी प्लांट लीव्स. ठीक है, टू ऑब्टेन सिल्क. नेक्स्ट टॉपिक इज एपिकल्चर. एपिकल्चर इज ऑल्सो नोन एज बी कीपिंग. ओके, इन केस ऑफ एपिकल्चर हनी बीज आर रेज्ड एट लार्ज स्केल फॉर ऑप्टेनिंग हनी एंड बी वैक्स. ओके, देर आर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ हनी बीज लाइक एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा एंड एपिस फ्लोराई. ओके, मेनली बेटा एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा है ना, आर रेज्ड फॉर ऑप्टेनिंग हनी एंड बी वैक्स. ओके, एपिकल्चर और बी कीपिंग इज द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स. ओके, आपको पता है कि हनी बी एक्ट्स एज ए हर्बल मेडिसिन, इट इज यूज्ड टू मेक
डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्बल मेडिसिन, ठीक है, तो समझे आप इस चीज को। और बी वैक्स जो होता है बेटा, बी वैक्स इज ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज टू मेक पॉलिश एंड सम कॉस्मेटिक मेटेरियल्स, ओके, तो समझे। लेकिन अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है एपिकल्चर के ऊपर। एपिकल्चर मीन्स क्या है, रेयरिंग ऑफ हनी बीज एट लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग हनी, ओके, इट इज कॉल्ड एपिकल्चर। फिर हम बात कर रहे हैं लैक कल्चर, द रेयरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट लाइक लैकीफेरा लैका, ठीक है, इट्स नेम ऑफ लैक इंसेक्ट। द रेयरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट एट लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग लाख और लैक, ठीक है, सुना होगा आपने लाख का चूड़ा, ठीक है, कि जो लाख और जो लैक है, इट इज यूज टू मेक डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्नामेंटल आइटम्स लाइक बैंगल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो अग लार्ज एक स्केल पर लैकीफेरा लैका जो लैक इंसेक्ट है उनको रेयर करना फॉर ऑब्टेनिंग लाख, इट इज कॉल्ड लैक कल्चर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटोमोलॉजी, देयर इज स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट, इट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ओके, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। वर्मीकल्चर, वर्मीकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ अर्थ वर्म्स, ओके, यू नो वेरी वेल अर्थ वर्म्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, ओके, दे आर माइक्रो माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स, ओके, दे आर यूज टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इन टू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, ओके, एंड दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एक्ट एज ए फर्टिलाइजर्स, ओके, वेन दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मिक्स इन टू द सोइल देन दे इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सोइल्स, ठीक है, अब समझे इस चीज को। द कल्टिवेशन ऑफ अर्थ वर्म्स इट इज कॉल्ड वर्मीकल्चर, दे आर यूज टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इन टू फर्टिलाइजर्स, ठीक है, कि जो ये ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करते ना फर्टिलाइजर्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज के अंदर, दे इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सोइल्स, ठीक है, एक तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अर्थवर्म रिलीजेज नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल्स इन टू द सोइल, जो खुद ये वेस्ट जो बाहर निकालते हैं बेटा वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, ठीक है, एंड दिस नाइट्रोजीनियस वेस्ट मिक्स इन टू द सोइल, ओके, आपको पता है कि जब नाइट्रोजीनियस वेस्ट का नाम बोल रहा हूँ तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उसके अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन एक्ट एज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, कि जब ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट मिक्स होगा इन टू द सोइल देन इट इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन टू द सोइल, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो इसलिए जो अर्थवर्म्स होते हैं ये काफी हेल्प करते हैं बेटा फार्मर्स की, ठीक है, और टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शंस, क्योंकि बताया ना अभी आपको मैंने कि एक तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर, दूसरा जो खुद ही नाइट्रोजनस वेस्ट जो बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है, तो वो रिच होता है नाइट्रोजन से, वो मिक्स होता है सोइल के अंदर, ठीक है, और वो इंक्रीज करता है फर्टिलिटी ऑफ द सोइल्स, दैट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स, ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा इसी ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर इन एनिमल साइंस, इट इज मशरूम प्रोडक्शन, ठीक है, जो मशरूम है, मशरूम इज एन एग्जांपल ऑफ एडिबल फंगी दैट इज यूज्ड एज ए फूड आइटम्स, ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो मशरूम होती है, मशरूम ग्रो इन मैन्योर, जैसे हॉर्स मैन्योर है, चिकन मैन्योर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो इन मैन्योर्स के अंदर जो मशरूम है बेटा उसको ग्रो किया जाता है, ठीक है, एट लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड मशरूम प्रोडक्शंस, ओके। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, थैंक यू।